मेंसुरेशन क्लास में हम लोग ऑलरेडी जो है टू डायमेंशनल फिगर के बारे में स्टडी कर लिया हूँ, मतलब प्लेन के बारे में स्टडी कर लिया हूँ। किसी को दिक्कत? नो सर, तो आपने टू डायमेंशन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया? किसी कोई डाउट है? डाउट है तो आप सेंड कर देना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन के बारे में। थ्री डायमेंशन मतलब क्या? इसके पास क्या होंगे? एक लेंथ होंगे, एक क्या होंगे? ब्रेथ, ब्रेथ होंगे एंड हाइट। तीसरा चीज क्या होगा? हाइट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 2D को पढ़ रहे थे, इसके पास क्या होता था? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता था, क्या नहीं होता था? हाइट नहीं होता, हाइट हाइट, ठीक है। तो सिंपली देखो, कोई बता सकते हो? और इसी थ्री डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड प्लेन, सॉलिड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप, सॉलिड शेप, सॉलिड। इज इट क्लियर? यस। हमेशा याद रखना, सॉलिड शेप के पास क्या होंगे? लेंथ भी होंगे, ब्रेथ भी होंगे, और क्या होंगे? हाइट भी होंगे। इज इट ओके? डाउट? नो सर, नो। इसके बाद देखो, जो सॉलिड शेप है, कौन कौन से सॉलिड शेप हम लोग अपने एनवायरमेंट में जनरली ऑब्जर्व करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? सर्क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, यस। इसमें से रोटी किसको किसको बनाने आता है? मुझे भी आता है, मैं बनाता भी हूँ, अभी थोड़ा देर बाद जाके बनाऊंगा। तो उसका शेप कैसा है? सर कल हम ही बनाए थे सर। मैं रोज दिन बनाता हूँ। बताओ, लड़का लोग को रोटी बनाने आता है, लड़की लोग यहाँ रोटी बनाने आता ही नहीं है, सीखना चाहिए। उसका शेप कैसा होता है? क्या कहते हैं उसको? बेलन, जिसको बोलते हैं। बेलन का शेप क्या होता है? सिलेंडर, सिलेंडर। उसके बाद हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, हाँ, इसका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड, ठीक है सर। बुक का भी, चाहे बुक को यूज करते हैं पढ़ने के लिए, बुक का शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड भी हो सकता है, और हो सकता है क्यूब भी हो सकता है। यस सर, यस। क्यूब के लिए एक देखते हुआ क्यूब आता है डिफरेंट कलर का, जिसको हम लोग मैचिंग करके सेम कलर लाते हैं वन साइड में, बनाना रहता है। हाँ, उसका शेप कैसा होता है? क्यूब होता है, क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब, क्यूब सर, सॉरी, क्यूब होता। हाँ, अब देखो, हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में खेलने जाते हैं या प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं? बॉल को या फुटबॉल को यूज करते हैं। उसका शेप क्या होता है? स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर। इज इट ओके? यस। तो एक्चुअली देखो, चाहे स्पेयर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, इस सारे का जो फॉर्मेशन हुआ है 2D प्लेन से ही हुआ है। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एन प्लस हाइट, सर्कल प्लस हाइट। इस सर्कल के ऊपर और height. बहुत सारे सर्कल को क्या करो? एड करते चले जाओ। तो ये किसका शेप ले लेते हैं? सिलेंडर, सिलेंडर का, सिलेंडर। और ये शेप किसका होता है? सिलेंडर का होता है। एनी हैव एनी डाउट? नो सर, नहीं। तो
सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल 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 को जोड़ते चले जाओ एक दूसरे के ऊपर, क्या बन जाएगा? सिलेंडर 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 सिमिलरली क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बेस क्या होगा? रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्यूब होगा, रेक्टेंगल होगा। तो एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल जोड़ते चले जाओ ये क्या बना देता है? क्यूबॉइड बना देता है। क्यूबॉइड। और जनरली क्यूबॉइड का शेप कैसा देखने को मिलता है? पहले हमको ये बनाना नहीं आता था, किसको किसको ये शेप बनाने आता है? ये क्या है? क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का बेस क्या है? रेक्टेंगल। इज इट ओके? यस सर। मतलब इस क्यूबॉइड का पेरेंट कौन है? रेक्टेंगल। क्यों? क्यूब कैसा शेप होता है? स्क्वायर। ये क्या होता है? क्यूब है। लूडो कौन कौन खेलते हो? लूडो कोई कोई खेलते हो या नहीं? खेलते हैं। उसका जो छकरी होता है उसका शेप कैसा होता है? क्यूब होता है। क्यूब। और क्यूब का जो पेरेंट क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। अब देखो स्पेयर, स्पेयर किसका पेरेंट होता है? सर्कल। सर्कल। सिलेंडर का पेरेंट क्या होता है? सर्कल। फिर दोनों में अंतर क्या है? नहीं पता सर किसका। इसमें देखो एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल जोड़ के हाइट में इंक्रीज किए, और क्या करो जब किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे चूड़ी देखे हो, चूड़ी को हाथ पे रख के कभी रोटेट करना। हाँ पंडित जी उधर क्या भगवान को याद कर रहे हो क्या खिड़की के बाहर? नो सर। तो फिर यहाँ देखो ना, मैंने क्या बोला चूड़ी को लेके जैसे रख के उसको क्या करना, रोटेट करना पूरे इस तरह से, इस पॉइंट पे रख के और इस तरह से रोटेट कर देना। ठीक है? यस सर। यहाँ पर तो हाँ उसको हाथ पे रखो ऐसे। नहीं बेटा, हाँ उसको पूरे रोटेट करो। तो एक शेप फॉर्म कर रहा है। यस सर। उसको थ्री डायमेंशनल शेप में ऑब्जर्व करो, वो जो शेप का फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। यस। इज इट ओके? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ हाइट में इंक्रीज किया सर्कल को, तब जाके सिलेंडर बना। जब क्या किया इसको एंगल पे रोटेट किए 360 डिग्री, ठीक है, तो जो शेप का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा शेप होगा? स्फीयर होगा। स्फीयर। इज इट ओके? समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसको नहीं आया? आ गया। ये Realme C2 कौन है? गुड्डू। गुड्डू गुड्डू तुम थोड़ा सामने आओ तो वीडियो ऑन करो। भारती कुमारी आप 5 बजे क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? गुड्डू तुम बेटा 5 बजे क्यों नहीं आता? 5 बजे साइंस का क्लास होता है। चले जाते पढ़ने। मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्या? मैं भी तो पढ़ाता हूँ ना। भारती भारती सोनाली आप लोग 5 बजे क्यों नहीं आते हो? सब वीडियो ऑन करके रखा करो, तुम लोग यहाँ पे गायब हो जाते हो ज्वाइन करके। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। मैं इरेज कर दूँ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब एक एक करके ये सारे
चीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, हाँ बेटा सर, हाँ प्रिज्म किससे बनता है? क्या चीज? प्रिज्म बोला, प्रिज्म क्या है ऐसे मैं बताना भूल गया। उसमें क्या होता है देखो, प्रिज्म बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे इसको कैसे मैं बनाऊंगा, उसका जो फ्रंट व्यू देखोगे, ठीक है, बन पाया कि नहीं? कोई सनी देवल देखो ये शेप देख रहे हो, ये एक प्रिज्म है, ठीक है? तो इसमें क्या होते हैं, ट्रायंगल को, ठीक है, ऐड करते जाओ इस डायरेक्शन में, ट्रायंगल के थिकनेस को इंक्रीज करो, जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, प्रिज्म का फॉर्मेशन होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और ये भी बोल सकते हो इसका बेस क्या है, कभी प्रिज्म का बेस देखना, वो पैरेललोग्राम दिखेगा। और इस पैरेललोग्राम क्या करो, जब तुम हाइट में इंक्रीज करो तो इस पैरेललोग्राम का लेंथ डिक्रीज करते जाओ, जो हाइट में इंक्रीज करो ना तो इसका साइज जो है डिक्रीज करते जाओ, जो फॉर्मेशन होता है वो प्रिज्म होता है। इज इट ओके? मेरे पास तो है ही नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने नहीं समझ पाई बात सचिन। नो सर। नो सर। एक रेक्टेंगल लो या एक स्क्वायर लो, ठीक है, इस स्क्वायर के ऊपर क्या करो, इससे थोड़ा छोटा से इस तरह से इंक्रीज करो, ठीक है, ऊपर एक के ऊपर रखते जाते हैं ना साइज को छोटा करते हुए। चलो इसको भूल जाओ, सिंपली याद रखना ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को इस डायरेक्शन में इंक्रीज करो और जो शेप बनेगा उसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। इज इट ओके? समझ में आया कि नहीं? यस सर। कौन है, कौन को नहीं बताया, इसको हम लोग कौन बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, सर्कल का कलेक्शन है, लेकिन इसका रेडियस क्या हो रहा है, इस पॉइंट की ओर जाते जाते डिक्रीज करते हुए यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इज इट ओके? देखो कलेक्शन ऑफ सर्कल है, कलेक्शन ऑफ रिंग्स है, इस डायरेक्शन में इस रिंग का डायमीटर डिक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट पर जाके ये क्या हो रहा है, ये सर्कल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। Is it okay? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. Sir, prism में एक बार और समझाइए मुझे। Prism में मैंने क्या बोला? ये देख रहे हो, ये triangle दिख रहा है? Yes, sir. Triangle को क्या करो? इस triangle को, इस side को पकड़ो और इसके thickness को increase कर दो। Is it okay? Yes, ये जो एक शेप फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। और जो प्रिज्म का जो नेम होता है उसके बेस पे क्या शेप फॉर्म किया, उसके बेस पे उस प्रिज्म का नाम रखा जाता है, स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगल प्रिज्म। इज इट ओके? अगर बेस में रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल प्रिज्म, अगर बेस में स्क्वायर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्रिज्म। सचिन नहीं समझ में आया? अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूब को। देखो हम लोग यहाँ पे मेनली तीन चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना
जिस भी फिगर का बेस सर्कल ना हो, मैंने क्या बोला, जिस भी फिगर का बेस सर्कल ना हो, उस सर्कल में हम लोग क्या क्या किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया, और याद रखना ये इस पॉइंट को याद रखना, जिसका क्या हो बेस, जिसका पेरेंट सर्कल ना हो, उस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैटरल सरफेस एरिया के बारे में। अब जिसका पेरेंट क्या हो, जिस थ्री डायमेंशनल फिगर का पेरेंट क्या हो, सर्कल हो, वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस के बारे में। यस ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया कहां पे होगा, जिसका पेरेंट क्या हो, हाँ स्क्वायर, और क्या हो, रेक्टेंगल हो। कर्व सरफेस एरिया कब पढ़ेंगे, जिसका पेरेंट क्या हो, सर्कल हो। सर्कल, किसी को इसमें डाउट? नो सर। तो यहां पे मिस्टेक करते हैं, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। इज इट ओके, समझ में आया कि नहीं? लैटरल सरफेस कब होगा, जिसका पेरेंट क्या हो, या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, मींस जिसका फॉर्मेशन कहां से हुआ हो, या तो स्क्वायर से हुआ हो या रेक्टेंगल से हुआ हो। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जिसका पेरेंट या जिसका फॉर्मेशन सर्कल से हुआ हो। इज दिस क्लियर? यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट? बोलो क्या चीज, आवाज नहीं आ रही है। सचिन मैसेज टेक्स्ट करो, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर, ये रोल क्यूबॉइड में नहीं हो सकता था? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या पढ़े हम लोग, लैटरल सरफेस एरिया। यस सर। स्पीयर, स्पीयर किससे मिलके बना हुआ है, सर्कल से, क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। यस। सिलेंडर किससे मिलके बना हुआ है, सर्कल से, क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। यस। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। सचिन कुछ पूछना था बेटा, सचिन ठीक है, अब देखो उसके बाद। हाँ बेटा बोलो। सर पेस्टिज्म किसको बोलते हैं? पेस्टिज्म या सर पेस्टिज्म क्या होता है? शायद लैटरल या कर्व को बोलते हैं। क्या चीज? लैटरल सरफेस एरिया चाहे कर्व सरफेस एरिया, इसी में से कुछ होता है सर। पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है या सर, कोई बात, पेस्ट्री। इज इट ओके? यस सर। अब देखो तीसरा चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है? यस सर। हाँ चलो, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्यों, इसका बेस क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया
और इसमें सबसे पहले बताओ क्यूब है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा या लैटरल सरफेस एरिया आएगा? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यस। नाउ टेल मी, उसका लेंथ बड़ा है क्या? एक मिनट एक मिनट, टेल मी व्हाट इज दिस बॉक्स? बॉक्स ये इसका बेस देखो, ये बेस है जो फ्रंट में दिख रहा है। यस सर। इसका शेप कैसा है? स्क्वायर। स्क्वायर है। अब इसको इस साइड से देखो, रेक्टेंगल। पहले पूछे, जितना पूछे उतना सुन लो, ठीक है? अब यहां देखो, yes. अगर ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम क्या करते एक्चुअली, ये क्या है, ये जो स्क्वायर दिख रहा फ्रंट में, इस साइड क्या है? yes. इसी स्क्वायर का एडिशन है, बहुत सारा स्क्वायर को यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, तब जाके इसका फॉर्मेशन हुआ है। सामने से देखोगे ये तुमको क्या दिखेगा, क्यूब दिखेगा, स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है? yes. तो स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, इज इट ओके? ये क्यूब नहीं है, दिस इज नॉट ए क्यूब। कोई बता सकते क्यों? इसका ऑल साइड इक्वल नहीं। यस, ऑल सरफेस इक्वल नहीं है, ठीक है? अब देखो ये एक क्यूब हुआ, इज इट ओके? मान लो ये साइड ए है, ये भी साइड क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ये क्या है, प्राइमरी कंडीशन है किसके लिए, क्यूब के लिए, इज दिस ओके? यस। तो क्या होंगे, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए, ये हो गया क्यूब। yes. अब देखो आप अपने रूम को देखो, आपका रूम क्या है, अगर उसका लेंथ ब्रेथ के बराबर है और ब्रेथ हाइट के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यूब। बहुत सारे रूम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्यूब शेप का होता है, इज इट ओके? यस। चलिए, मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है? समझ में आ गया? यस। अब ये बताओ क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? जब हम फेस की बात करते हैं, सिक्स फेस क्या होता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इज इट ओके? छे सर, छह होता है। तो यहाँ पे देखो एक फेस, आप अपने कमरे के देखो, एक ग्राउंड होगा, एक फेस सर जो कि स्क्वायर होगा, एक रूफ सर, छत होगा, चारों साइड होंगे, होंगे ना? यस सर। तो क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? सिक्स फेस। और ये सिक्स फेस जो होंगे, ये सब क्या होंगे, स्क्वायर होंगे? यस सर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है सर? सिक्स स्क्वायर का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये जो सिक्स फेस है, इस सिक्स फेस का एरिया को ऐड कर दो, तो फेस का एरिया क्या होगा,
ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। यस। और ये इसमें कितने फेस होते हैं? सिक्स। तो इसमें क्या करो, सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। तुम ये रईस की तरह क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, हमेशा याद रखना टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, उसके सारे फेस के एरिया को ऐड कर दो तो क्या आ जाएंगे, सिक्स ए स्क्वायर। ये क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इज दिस क्लियर? यस यस। अब क्या आएगा, लैटरल सरफेस एरिया। कोई बता सकते हो लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है? सर, फोर वॉल का एरिया निकालना रहता है। इसके लिए सिंपली क्या करो, माइनस कर देंगे टू ए स्क्वायर। ये कुछ बॉक्स दिख रहा है, फोर ए स्क्वायर। यस सर, यस सर। क्या करो, मेरे पेन को देखो, मेरा पेन दिख रहा है? यस सर। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से वॉकिंग करना स्टार्ट करो अपने पेन को, यहां से क्या करो, वॉकिंग करो, मूव करो, ठीक है? यस। किए, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे, ठीक है? मतलब यस सर, जो ये शेप है, हम लोग यहां से शुरू किए, इसको इनिशियल पॉइंट रखते हैं, इधर मूव किए पूरे, देख रहे हो यहां मूव कर रहे हैं, ये देखो अब दिख रहा है क्या, देखो यहां से शुरू किए, इधर मूव किए, यस सर, फिर इधर मूव किए, पूरे मूव किए, और जितना एरिया कवर किए, एरिया को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इज दिस क्लियर? यस सर। मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट से मूव करना शुरू करो और घूम फिर के कहां जाओ, इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाओ, ठीक है? यस सर। अगर देखो इसमें हमने क्या किए, दो फेस को छोड़ दिए, छोड़े कि नहीं, एक बॉटम फेस, एक फेस के एरिया को छोड़ दिए। जब हम यहां से स्टार्ट किए थे, क्या हम बॉटम के एरिया को कवर किए थे? नो सर। नो सर। क्या हम टॉप के एरिया को कवर किए थे? नो सर। नो सर। नहीं सर, सिर्फ साइड के एरिया को कवर किए थे। और किसी क्यूब में कितने साइड होते हैं? चार साइड होते हैं, ठीक है? और एक साइड का एरिया क्या होता है? यस सर, ए स्क्वायर। तो फोर साइड का एरिया क्या होगा, फोर ए स्क्वायर। इज दिस क्लियर? फोर ए स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फोर ए स्क्वायर। और जब भी हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, हम लोग टॉप एरिया और बॉटम फेस के एरिया को करते हैं। इज इट ओके? टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऑल साइड का एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। सोनाली म्यूट कर लो। और जब हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टॉप के एरिया बॉटम के एरिया को छोड़ देते हैं और सिर्फ ऑल साइड के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। इज दिस ओके? यस सर। याद रखना कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फोर ए स्क्वायर। जैसे रूम है,
रूम पे क्या करो, रूम के एक कॉर्नर से वॉक करना शुरू करो और जो जो साइड मिलेगा उस सारे साइड के एरिया को कैलकुलेट करो। जो उस एरिया को कैलकुलेट करोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इज इट ओके? यस सर। हमने क्या किया, बॉटम को कैलकुलेट नहीं किया और टॉप को कैलकुलेट नहीं किया व्हाइल कैलकुलेटिंग लैटरल सरफेस एरिया। इज दिस ओके? ये क्यों किससे बना हुआ है? स्क्वायर। स्क्वायर से? स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखते जाओ। इज इट ओके? देखो यहां पे, सॉरी ये एक क्या है, स्क्वायर है। Yes. इस स्क्वायर का लेंथ क्या है, ए, ब्रेथ क्या है ए, ऑल साइड्स इक्वल है। इसके ऊपर क्या करो, और बहुत सारे स्क्वायर को पुट करो, कब तक, जितना लेंथ इस ए का है उतना क्या करो स्क्वायर को पुट करो, जैसे एक स्क्वायर दो, इस तरह बहुत सारे स्क्वायर को पुट करो, और कितना पुट करना है, ए तक। इज दिस ओके? यस सर। तो तब जाके क्या हुआ, क्यूब का फॉर्मेशन हुआ। नीता कुमारी म्यूट कर लो यार। जब देख रहे हो कि बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो आप म्यूट कर लिया करो। सोनाली कुमारी ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन हुआ, क्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए होता है। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए। अब बता इस पे कितना लेंथ का स्क्वायर पुट किए हैं, कितना इंक्रीज किए हैं ए मैग्नीट्यूड का। अरे मेरा कहने का मतलब क्या, मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है, मान लो ये एक मेरा स्क्वायर है, इसके ऊपर एक दूसरा स्क्वायर रख दिए, फिर क्या करे तीसरा स्क्वायर रख दिए, तो ये इसका थिकनेस बढ़ रहा है। यस सर। कब तक बढ़ाएंगे, जितना इसका लेंथ होगा, इसका ब्रेथ होगा, जितना इसके साइड का लेंथ होगा, और स्क्वायर के सारे साइड का लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मानो इसका लेंथ क्या साइड का ए है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बहुत सारे इस तरह स्क्वायर को पुट करेंगे, और ये कब तक बढ़ाएंगे, ए थिकनेस के साथ। ठीक है, समझ में? यस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, जो स्क्वायर का एरिया है ए इंटू ए, इसमें इतना जो इंक्रीज किए, इसमें इस ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इज इट ओके? एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, सब तो बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। यस। ऑलवेज रिमेम्बर दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। इज इट ओके? यस। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 into side ka square, and lateral surface area of cube is equal to 4 into side ka square. Is it okay? Yes sir. Ab dekho iska unit kya hoga, area ka unit kya hota hai, centimeter square ho sakta hai, meter square ho sakta hai. Is it okay? Yes sir. Matlab kya, units ka square hoga, है कि नहीं, किसका, एरिया का, चाहे वो सरफेस एरिया हो चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, जहां पे एरिया है वहां पे क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर होगा। अब जब देखो क्यूब है, इसमें क्या है, साइड इनटू साइड इनटू साइड, तो क्यूब का यूनिट क्या होगा, साइड यूनिट्स का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट्स, यूनिट्स का क्यूब। मतलब क्या, अगर एक यूनिट 3 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा,
Is it okay? नहीं आया समझ में? समझ गया सर. आ गया. देखो साइड इनटू साइड इनटू साइड ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है. एक सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, एक सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, एक सेंटीमीटर यहाँ होगा. टोटल सेंटीमीटर कितना होगा? सेंटीमीटर का क्यूब. यस सर. हमेशा याद रखना वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होता है? क्यूब होता है. यूनिट्स का क्यूब होता है. यूनिट का पावर 3 होता है. इज इट क्लियर? यस सर. और एरिया का क्या होता है? स्क्वायर होता है. यूनिट्स का स्क्वायर.